हेलो दोस्त, जनरल साइंस का क्वेश्चन जिसमें हम सामान्य विज्ञान या जनरल साइंस करते हैं उसका ये वीडियो नंबर 2 है। हालांकि इससे अलावा बहुत सारे प्लेलिस्ट में वीडियो है जिसका प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ आरआरबी एनटीपीसी की बात कर रहे हैं, ग्रुप डी की बात कर रहे हैं या और भी कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो उसका बेसिक कंसेप्ट लेके आए हैं कि कैसे प्रश्न को करना है। लेकिन इस प्रश्न में कुछ न्यूमेरिकल भी यहाँ करेंगे क्योंकि प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको रिफ्रैक्शन इंडेक्स एन के रूप में पूछा जाता है और उसका चाल का संबंध क्या होता है उसके बारे में पूछा जाता है। स्नेल लॉ आपसे पूछा जाता है, क्रांतिक कोण पूछा जाता है, सघन से विरल माध्यम में जब कोई प्रकाश जाती है तो वेग आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य पे क्या असर पड़ता है ये पूछा जाता है और फाइनली इसका प्रभाव क्या होता है ये प्रश्न यहाँ पे पूछे जाते हैं। और ये प्रश्न बिल्कुल सिंपल से होते हैं, बहुत मुश्किल नहीं होते, लेकिन कई बार लोग इस प्रश्न को छोड़ते हैं क्योंकि बेसिक कंसेप्ट को नहीं समझते। तो प्रकाश का परिवर्तन मतलब अपवर्तन मतलब समझ ही सकते हैं कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो मुड़ेगा, अभिलंब से दूर जाएगा, अभिलंब से नज़दीक जाएगा, आई का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान क्या होगा, यही तो है इस प्रश्न का बेसिक। तो हिंदी में सारे प्रश्न है, सारे कंसेप्ट हिंदी में है, लेकिन इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक अगर एग्जांपल जानना चाहेंगे तो लाइट का परिवर्तन 10 प्रश्न है यहाँ पे टोटल, लेकिन लाइट का परिवर्तन के लिए देखिए अगर कोई मीडियम है तो मीडियम 1 हो सकता है यहाँ पर हवा हो, वायु हो, और मीडियम 2 कर सकते हैं ये कांच हो सकता है, ग्लास हो सकता है या कोई और भी हो सकता है, आपका पानी हो सकता है, तेल हो सकता है और भी कुछ हो सकता है। इसी के अलावा एक मीडियम 3 भी बनता है, 3 मीडियम का भी एक प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन हम 2 मीडियम की पहले जनरली समझने की बात करेंगे। तो दोनों मीडियम के बीच एक अभिलंब होता है और अभिलंब आपका बेस से जहाँ आपतित कोण होता है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। ध्यान दें कि जब भी प्रकाश अगर अभिलंब से गुजरता है तो उसमें क्या होता है, विचलन नहीं होती है, ध्यान देने वाली बात है। यानी यहाँ स्नेल लॉ नहीं लगेगा और यहाँ आईआर का मान नहीं होता है। अब देखिए आपतित किरण का बिंदु ये है और इस बिंदु पे अगर पॉइंट करते हैं, कोई भी लाइट अगर इस एंगल से आ रही है, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल से आ रही है, कोई प्रकाश इस एंगल से आ रही है तो अभिलंब से जो कोण बनाता है इसे बोलते हैं आई। और ये आगे निकल जाती है, कितना बैंड होती है ध्यान दीजिएगा, यह कितना बैंड होती है इस एंगल को बोलते हैं हम आर, और इसी को बोलते हैं स्नेल का नो। स्नेल का नो कहता है कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर बराबर एक नियतांक या कांस्टेंट लिख सकते हैं आप। यानी आपतित किरण का एंगल डिवाइडेड बाय साइन परिवर्तित किरण का एंगल को स्नेल नो नियम के द्वारा बताया जाता है। अब यहाँ होता है कि ये पहले वाला मीडियम जो हमारा था ये सघन है यानी डेंसर है, या दूसरे वाला मीडियम है वो रेयर है यानी विरल है, तब इसका परिवर्तित चेंज होते जाएगा। यानी अगर सघन से विरल में प्रकाश जाएगा तो ये इसकी दूर हो जाएगी, एंगल आर ज़्यादा होगा, और नज़दीक आएगी तो एंगल आर कम होगा। तो इसी पे सारे प्रश्न हैं, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, और इसमें जितना ये एंगल चेंज होगा उसका अपवर्तनांक के बारे में भी प्रश्न है। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इसके प्रश्नों को हल करते हैं जो हमारे पास प्रश्न आते हैं, मैं नोट करके हिंदी में टाइप कर रखा हूँ। तो इस प्रश्न को अगर देखना है तो देखिए हम यहाँ पे प्रश्न देख रहे हैं, तो यहाँ देखिए हमारे पास प्रश्न है, जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, वेग में वेग कम हो जाएगा, आवृत्ति बढ़ जाएगी, तरंग दैर्ध्य वृद्धि हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। देखिए अब इस प्रश्न को बहुत लोग याद करते हैं, याद करने के बाद कहेंगे कि देखिए वेग तो कुछ नहीं कम नहीं होगा, आवृत्ति ज़्यादा नहीं होगी, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाएगा, राइट आंसर कर दिए। लेकिन अगर आपसे पूछ देता कि वेग क्या होता, आवृत्ति क्या होता, इसमें आर का मान जो हमारा आपतित किरण या परिवर्तित किरण का रिफ्लेक्शन के बाद कितना होगा, उसके बाद इसमें अभिलंब से कितना नज़दीक दूर जाएगा, तो आप कंफ्यूजन में हो जाते हैं और इस प्रश्न में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो अब ऐसे प्रश्नों को हम करने के लिए आपके लिए कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, एक ही में 10 प्रश्न आपको करा देते हैं, 10 प्रश्न का प्रैक्टिस कराते हैं। तो यहाँ देखिए सघन से विरल है यानी डेंसर से रेयर में जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, दो
दो एक कॉलम बना लेंगे। कैसे कॉलम बना सकते हैं? एक डेंसर टू रेयर मीडियम और दूसरा रेयर से डेंसर मीडियम, यही हो सकता है, दो ही मीडियम हो सकता है, यानी सिंपल सी बात है। अब इसमें पांच चीज़ों की अंतर पड़ती है। पहला भी मतलब चाल, समझिएगा चाल, वेग। दूसरा क्या हो सकता है? फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्या हो सकता है? वेवलेंथ। चौथा क्या हो सकता है? आर एंगल। और पांचवा क्या हो सकता है? अभिलंब से दूरी। आपका अभिलंब से दूरी कितना दूर जाएगा, यही पांच क्वांटिटी इसमें चेंज हो सकती है। और पांचों को टेबल एक बना लीजिए, पांचों का एक टेबल हम बना लेते हैं। अब देखिए, पांचों का टेबल हमने बना लिया, सारा डाटा बना लिया। अब हम इसको प्रश्न को कर लेते हैं। रेयर से डेंसर में जा रहा है, डेंसर से रेयर में जा रहा है, यानी सघन से बिरलर में जा रहा है, जो हमारा प्रश्न नंबर वन है। तो वेग में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, वृद्धि होगा। क्यों? क्योंकि जब सघन में आपके अणु बहुत ज़्यादा होते हैं एयर में, या आपका जो मीडियम है उसमें, यानी एक अणु दूसरे अणु से चिपे हुए रहते हैं, और रेयर में जाएगा तो वहाँ पे दूर दूर हो जाते हैं, जिसके कारण से स्पीड बढ़ने में हेल्प मिलती है, पहली कंडीशन। हच, जो आवृत्ति होती है कभी चेंज नहीं होती है, कॉन्स्टेंट रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों के कंडीशन में याद रखना है आपको कि इसकी आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं होता है, रेयर से डेंसर या डेंसर से रेयर जाए। अब दूसरी कंडीशन आता है, वेवलेंथ पे क्या होगा? तो देखिए, वेग बढ़ेगी तो वेवलेंथ भी आपका बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। एंगल आर का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि डेंस से रेयर पे जा रहा है, तो अभिलंब जो आपकी जो आपतित किरण है यहाँ से आने के बाद यहाँ ज़्यादा मुड़ जाएगी, जिसके कारण से ये आर का मान बढ़ेगा। आर का मान बढ़ेगा तो अभिलंब से दूर भी जाएगा, तो यहाँ दूर भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्लियर? पांच प्रश्न अगर इससे आए तो आप पांचों प्रश्न को कंठस्थ याद करेंगे और प्रश्न को हल करेंगे बिना कोई ज़्यादा लॉजिक से, केवल बेसिक कंसेप्ट जानकर। दूसरा प्रश्न कहता है कि रेयर से अगर हम डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा, तो वेग क्या होगा? कम होगा। जस्ट उल्टा लिखिएगा, आवृत्ति में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वेव लेंथ कम होगा। आर का मान क्या होगा? कम होगा। और अभिलंब से नज़दीक आएगा, क्या आएगा? अभिलंब से नज़दीक आ जाएगा आपका, ये वाला लाइन यहाँ आ जाएगा, ये कोण का मान कम हो जाएगा, यानी इस दिशा में आपको नज़दीक आ जाएगा। समझ गए होंगे, ऐसा प्रश्न आए तो 10 प्रश्न आप कर लीजिएगा, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। और मल्टीपल क्वेश्चन एमसीक्यू का एक मेरिट भी है तो डिमेरिट भी है, कि आपने एक प्रश्न किया तो दूसरा छूट गया, लेकिन कंसेप्ट का मेरिट हमेशा रहता है कि आपके इससे 10 प्रश्न आएंगे तो कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, दूसरा हमारे पास कंसेप्ट लेके आए हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि एक ग्लास के प्लेट के अंदर एक छोटा सा हवा का बुलबुला है। लोग प्रश्न को लंबा देख के ही छोड़ देते हैं, लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं है, समझ लीजिएगा। एक प्रेक्षक यह बुलबुला गिलास के नीचे की ओर लंब के रूप में देखते हैं और नज़र नज़दीकी सतह से 2 मिलीमीटर की दूरी पर प्रतीत होता है। प्रतीत होता है मतलब इसको आभासी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये सब पढ़ें आभासी इसको बोलना है। और वास्तविक दूरी बताना है क्या होगा जब गिलास का अपवर्तनांक 1.5 है। कुछ लोग बोलेंगे बहुत डिफिकल्ट प्रश्न है, देखिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक लाइन का कैलकुलेशन है जिसको आपको कैलकुलेट करना है, और ये न्यूमेरिकल प्रश्न है, तो आपको मालूम क्या करना है, वास्तविक दूरी मालूम करना है। तो वास्तविक दूरी के लिए अपवर्तनांक आपने पढ़ा होगा, जितने लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, वस्तु की वास्तविक जितना दूरी है या जिससे रिलेटेड है, वास्तविक डिवाइडेड बाई आभासी, इतना तो सबको पता ही हो सकता है। यहाँ दूरी के रूप में दिया है mm में, और हो सकता है कई जगह ये आपको दूसरे तरीके से दे दे, दूरी के पानी में डूबा हुआ नहीं कहीं और लिख दे, लेकिन यहाँ पे पानी में डूबा हुआ दिखा रहा है, यानी अपवर्तनांक बराबर 1/5, वास्तविक दूरी हमें पता करना है x, और आभासी दूरी दिया हुआ है 2 mm, यानी x बराबर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कर स्मॉल अप्लाई 1.5 गुना 2 बराबर 3 mm, यानी वस्तु कितनी वास्तविक गहराई में डूबी हुई है,
3 mm, लेकिन अभी कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि वो अब प्रश्न को देखे नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि एक गिलास है कि प्लेट के अंदर एक गिलास है, इसे हम गिलास समझ सकते हैं। अब ये वस्तु में पूरा क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, और पानी में एक बुलबुला है। पानी में बुलबुले किस तरह से आते हैं, याद रखिएगा, उथल किस तरह का व्यवहार करते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये बुलबुला है, अब ये बता रहा है कि हमें ये कितना नज़दीक नज़र आता है, कितना आभासी के रूप में 2 mm अंदर नज़दीक आ रहा है, लेकिन हमें पता करना है कि ये कितना है। तो आपको पता है कि कोई भी वस्तु, एक प्रश्न सुने होंगे कि पानी में अगर छड़ को डाल देते हैं तो क्या दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है, क्यों, अपवर्तन के कारण। और उसी अपवर्तन के कारण ये आभासी 2 mm दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल इसकी हाइट, पानी में गहराई कितनी है, 3 mm है। आप समझ गए होंगे, यानी पानी में कोई वस्तु डूबा हुआ है वो अपने नीचे के स्थान से हमेशा ऊपर दिखाई देता है। अगर ऐसा भी प्रश्न आए तो छोड़ना नहीं है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये आपका सीधा प्रश्न वही आ गया जो हम बोल रहे थे, जल में डूबी हुई सीधी छड़ी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। अभी बोले ना एक पानी का गिलास था, अभी हमारे पास जो 2 mm है इसमें अगर आप पानी आप डालते हैं, ये छड़ है, ये छड़ सीधा है लेकिन ये जिग जैग आपको प्रतीत होगा, टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता है, क्यों, क्योंकि पानी में पानी का आवर्तनांक और यहाँ पानी से ऊपर वायु का आवर्तनांक में क्या होता है, अंतर होता है, जिसके कारण से इसमें अपवर्तन होता है और अपवर्तन के कारण यह वस्तु टेढ़ी दिखाई देती है। सिंपल सा कंसेप्ट है, आगे प्रश्न में चलेंगे। 4 नंबर है, कह रहा है कि कोई प्रकाश निम्न में से माध्यम से प्रकाश तेजी से गमन करेगा। तो ध्यान दीजिए, सारा केला म्यू पे होता है यानी अपवर्तनांक पे होता है। अगर कोई वस्तु सघन है तो प्रकाश क्या होगा, ध्यान से दीजिएगा, प्रकाश क्या होगा, कम स्पीड से चलेगा। अगर कोई वस्तु जो क्या है, विरल है यानी रेयर है, तो क्या होगा, प्रकाश अधिक तेजी से चलेगा। तो मैं कई लोगों को ऐसे प्रश्नों में देखा है कि सबको याद करते हैं, ठोस में कितना चाल होगा, जल में कितना होगा, बेंजीन में होगा, क्वार्क में होगा, और इसको सबकी अपवर्तनांक याद करते रहते हैं। तो दोस्त याद नहीं करना है ऐसे प्रश्नों के लिए, आपको क्या करना है, इसको कंसेप्ट को समझ लेना है। कंसेप्ट ये समझना है कि इसमें से आपको पता कर लेना है कि इसका अपवर्तनांक कम हो सकता है, यानी कौन सा मीडियम विरल हो है इसमें। अगर आपने विरल निकाल लिया तो आपके प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। देखिए ठोस में अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके होते हैं, तो इसका आंसर तो हो नहीं सकता। बेंजीन इससे भी गहरा है आपका, इससे जल से, क्वार्क में भी गहरा है, लेकिन जल ऐसा है जिसका अपवर्तनांक वायु के बहुत नज़दीक यानी हवा के बहुत नज़दीक है, और हवा के नज़दीक होने के कारण से इसमें प्रकाश तेज़ी से चल सकता है। ध्यान देने की बात है, ठोस में तो कई बार प्रकाश पार भी नहीं हो पाता, अपारदर्शी रहता है, तो प्रकाश चलने की बात तो दूर में हो जाएगी। तो ये कंसेप्ट समझ गए होंगे, और ये कंसेप्ट समझते हैं तो आपके प्रश्न का आंसर आपके साथ है। अगले प्रश्न में चलते हैं, एक और न्यूमेरिकल है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, प्रश्न नंबर 5 में निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, तथा इतना 2×4 मीटर पर सेकंड किसी माध्यम में है, यानी पारदर्शी माध्यम में और निर्वात में चाल ये है वैक्यूम में। तो वैक्यूम में चाल सबको, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा चाल होता है प्रकाश का, और 300,000 किलोमीटर आप जानते ही है, यहाँ मीटर में दिया हुआ है। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा वो बताना है आपको। कुछ लोग ऐसे प्रश्नों को भी कहते हैं कि बहुत कठिन है, इस प्रश्न को हमें नहीं किया जा सकता, और इस प्रश्न में थोड़े से दिक्कत है, लेकिन प्रश्न में कुछ नहीं है, आपको क्या करना था, तो आपने जाना था अपवर्तनांक एन बराबर या म्यू बराबर, कई जगह म्यू भी लिखा रहता है, इसके बराबर क्या होगा। सिंपल सी बात है, वैक्यूम में प्रकाश की चाल, ये प्रकाश की चाल से रिलेटेड है, हवा में जब हवा से दूसरे मीडियम में प्रकाश जाती है, जो रिलेशन की बात कर रहे थे, वेग का रिलेशन इन अदर मीडियम, तो क्या हम लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, वैक्यूम में या निर्वात लिख सकते हैं, या प्रश्न हमारा निर्वात है, निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाई किस में,
पारदर्शी मीडियम जो दिया हुआ है यहाँ पे, हो सकता है कई जगह कुछ और लिख दे, तो उसको आप कांच लिख सकता है, ग्लास लिख सकता है, पैरा लिख सकता है, आपको कोई दूसरा मीडियम लिख सकता है, जल लिख सकता है, उसको ध्यान रखिएगा। पारदर्शी मीडियम में प्रकाश की चाल कितना आसान है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, 3.3 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.4 × 10⁸। अब क्या करेंगे, 10 कट जाएगा और यहाँ 2.4 के दशमलव हटाएंगे तो 30/24 हो जाएगा और 6×5=30 और 6×4=24 हो जाएगा, यानी अपवर्तनांक 5/4 हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न तो बहुत डिफिकल्ट नहीं था, खाली बेसिक कंसेप्ट अगर पता है तो इस प्रश्न को आप कर सकते हैं। और NTPC ग्रुप डी और खास करके जितने भी रेलवे के एग्जाम है उसमें और ऐसे प्रश्न आपके 10th वगैरह के पॉलिटेक्निक वगैरह एग्जामों में बहुत आराम से आते हैं, इंट्रेंस एग्जामों में भी आते हैं और कई सारे एग्जामों में आते हैं, क्योंकि जहाँ पे साइंस पूछेगा ये सब बेसिक प्रश्न आपको छोड़ने वाला नहीं है। छठा प्रश्न पूछ रहा है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 डिग्री है, उस द्रव का अपवर्तनांक बताइए। तो ये क्रांतिक कोण वाला जो हो गया, क्रिटिकल एंगल हमारे पास आ चुका है, तो क्रिटिकल एंगल का भी प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें दो तरीके से पूछता है, एक तो एंगल दे देता है और दूसरे में आपका इसका मान दे देता है म्यू का, और एंगल आपसे पूछ लिया जाता है कि एंगल कितना डिग्री होगा, वाट। तो ऐसे प्रश्न को भी हमें करने के लिए कंसेप्ट में रखना होता है, और जब भी ऐसे प्रश्न को करते हैं तो हमारे लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न को करने से आपको क्या ध्यान देना है, दो चीज़ ध्यान देना है, हमने जो बोला था उसको ज़रूर ध्यान दीजिएगा, सघन से विरल और विरल से सघन, यानी कंडीशन 1 और कंडीशन 2 दोनों याद रखना है आपको कि क्या हो रहा है, तभी इस प्रश्न का आंसर को आप आराम से कर पाएंगे। तो देखिए वायु क्या है, वायु के सापेक्ष किसी द्रव में, तो वायु क्या है यहाँ पे, संघन, और द्रव क्या है, विरल। अब इसके लिए हम दो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, सीधी सीधी बात हो जाएगी, आपके प्रश्न आराम से सोल्व हो जाएंगे। कैसे, जब आप सघन से विरल में जाते हैं तो आपको ये यूज करना है अपवर्तनांक बराबर 1/sin C, सी का मान के यहाँ दिया हुआ है 45 डिग्री। कुछ प्रश्न में है दम नहीं है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा, विरल से सघन में अगर जाता, अगर लिखता कि द्रव से वायु में जा रहा है कोई प्रकाश, तब आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको ध्यान से थोड़ा देना है, एन बराबर क्या लिखना है, sin C/sin 90 डिग्री। लेकिन हम लोग जानते हैं कि साइन 90 बराबर क्या होता है, 1 होता है, इसलिए एन बराबर क्या होगा, डायरेक्ट साइन सी हो जाएगा। यही ध्यान रखना है, बस प्रश्न का आंसर आपको सोल्व हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आंसर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ हमारा मीडियम मिला हुआ है, हमारा सघन से हम द्रव में जा रहे हैं, तो अपवर्तनांक बराबर क्या करेंगे, 1/sin C करेंगे, और साइन सी बराबर हम डायरेक्ट यहाँ लिख दे 45 डिग्री है, और 45 डिग्री का मान आप साइन को जानते ही है, सब लोग जानते हैं क्या होता है, 1/√2, यानी 1/√2, यानी यहाँ से अगर उल्टा करेंगे तो √2 हमारे ऊपर आ जाएगा, यानी एन बराबर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, जो उस द्रव का अपवर्तनांक √2 है। अगर इसको पॉइंट में, अगर वैल्यू में दिया होता कहीं तो 1.4141 ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, कई बार ये √2 हटा दिया जाता है, तो इसको भी आपको एक कंसेप्ट रखना है, √2 का मान 1.412 ऐसा कुछ समथिंग होगा, जो समथिंग को आप याद रखेंगे। अगले प्रश्न में कहता है कि अगला प्रश्न हमारे पास सेम उसी का दूसरे तरीके से दिया हुआ है, कह रहा है 7 नंबर, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तथा कांच के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 1.6 है, तो वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक होगा। तो यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि अभी तक हम दो मीडियम की बात कर रहे थे, यहाँ पे हमारे पास मीडियम 3 है, पहला क्या है मीडियम यहाँ पे, एयर, दूसरा मीडियम क्या है, ग्लास या कांच, और तीसरा मीडियम है डायमंड यानी हीरा। अब 3 मीडियम के बीच में आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, लेकिन आपको एयर से डायमंड के बीच में पता करना है, ऐसे प्रश्न को कैसे करेंगे, तो ऐसे प्रश्न को रिफ्लेक्शन के देख के ध्यान दीजिएगा, अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष क्या है, एयर के सापेक्ष ध्यान दीजिएगा, एयर के सापेक्ष कांच,
का अपवर्तनांक कितना है इसको बताना है, लेकिन एयर के पीछे कांच का अपवर्तनांक कितना है इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं एन जी डिवाइडेड बाई एन ए, यही है ना जी। जी ग्लास के सापेक्ष एयर का जो कितना है 1.50। दूसरा प्रश्न यहाँ देखिए क्या कह रहा है, हीरे के कांच के सापेक्ष हीरे यानी कांच, कांच को अगर हम कहें कि कांच को अगर हम ग्लास डाल देते हैं तो ग्लास लिख सकते हैं, कांच को ग्लास लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, कांच का हमारे पास ग्लास आ जाएगा यानी जी और डायमंड, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप एन डी डिवाइडेड बाई एन जी, जिसकी वैल्यू एन डी है, नीचे में ध्यान दीजिएगा यहाँ चल एन डी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.61। अब पूछ रहा है इसको इसको मिला के कि आपका अपवर्तनांक ए एन डी में क्या होगा, यानी ए का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, इतना दूर आना है तो क्या करना है, इसको सीधा सीधा से मल्टीप्लाई कर देना है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि अगर इसके रिपेक्ट इसके है तो ग्लास दोनों में कॉमन टर्म है, तो आपका रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा 1.50 गुना 1.61 बराबर क्या होगा, तो इसको अगर गुना करते हैं तो यहाँ पे अगर 5 है यानी डेढ़, 15 × 6 = 1.5 यानी 2.412 ऐसा कुछ समथिंग आपका आएगा जो आंसर में आपको डी में पड़ा हुआ है आंसर। तो ये आपको तीन मीडिया वाला भी आपके प्रश्न अगर आते हैं तो ऐसे सोल्व कर लेते हैं। एक चीज़ और ध्यान मतलब है कि तीन मीडियम का अगर एक प्रश्न आता है, जैसा कि अभी यहाँ हमने देखा इसको गुना अगर वाटर आता है या कोई और वस्तु आता है, या ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए गुना यहाँ पे अगर वाटर आता है तो इसके बराबर 1 होता है, इसको भी आप याद रखेंगे। 1, 2, 3 मीडियमों का अगर रिफ्लेक्शन होता है तो इसके बराबर 1 होता है। ये भी प्रश्न कई बार डायरेक्ट लिख के पूछ दिया है, इसलिए भी इस प्रश्न को थोड़े से आपको अवेयर रहना चाहिए। अब अगले प्रश्न में है 8वां प्रश्न, कह रहा है कि पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है। पूर्ण आर्थिक परिवर्तन परावर्तन क्या होगा, क्रांतिक कोण का मान, तो ध्यान देने वाली बात है, क्रांतिक कोण के मान से ज़्यादा होना चाहिए तभी आपका पूर्ण आर्थिक परिवर्तन होता है। और एक किस में होता है आपका, डायमंड में आपने सुना होगा डायमंड चमकते रहता है किसके कारण, ध्यान दीजिएगा आपके पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण। ग्लास की टूटी हुई वस्तु में और टूटी हुई दरारें चमकती रहती है पूर्ण आर्थिक परिवर्तन के कारण, ऐसे आप याद रखेंगे। ये एग्जाम्पल आपको पूछ देगा, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, तो किसके कारण से होता है, क्रांतिक कोण ज़्यादा होता है आपतन कोण से, तभी ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपका परावर्तन होता है। तो ये दोनों तीनों एग्जाम्पल भी याद रखिएगा साथ के साथ। अगला प्रश्न है 9 नंबर, अगर कह रहा है कि दो माध्यमों का पृथक्करण तल पर प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो अपवर्तन कोण होगा। अपवर्तन कोण कह सकते हैं कि नीचे वाले भाग का अपवर्तन कोण, जिसको कभी कभी गलती से हम परावर्तन कोण भी कह देते हैं, तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिए ये क्या कह रहा है, दो माध्यम है, इधर एयर है इधर ग्लास है या कुछ भी है, माध्यम 2 है। अब ये कह रहा है कि दो माध्यम के पृथक्करण क्या है, ये वाला लंबवत, ये वाला लाइन हमारा पृथक्करण है। अब इस लाइन के कह रहा है कि लंबवत है, यानी ये हमारा अभिलंब था पहले, क्या था, अभिलंब था, और जो प्रकाश भी आ रहा है इसके साथ आ रहा है, तो क्या यहाँ पे कोई परिवर्तन होगा इस माध्यम के बाद, तो ध्यान देने वाला बात है नहीं होगा, क्योंकि जब भी प्रकाश अभिलंब से गुजरती है तो वो सीधा निकल जाती है, यानी यहाँ अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य रहेगा, यानी प्रकाश सीधा यहाँ से आकर सीधा इस डायरेक्शन में आगे की तरफ निकल जाएगा। ध्यान देने वाली बात है, ये कई बार प्रश्न रिपीट किया हुआ है, यानी दो माध्यमों के पृथक्करण तल पर प्रकाश लंबवत आपतित होता है तो दो अपवर्तन कोण का मान 0° होता है, और इस पे आपका स्नेल नियम लागू नहीं होगा, यानी आई और आर का कोण का कोई अंतर नहीं दिखाई देगा, समझ गए होंगे। 10वें नंबर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न की बात करेंगे,
एक और प्रश्न का एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल के टर्म में है, जिसमें पूछा है कि अति बीरियल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक 2 है तो क्रांतिक कोण का मान होगा। अभी आपको हम बताए थे कि सघन माध्यम से अगर बीरल में जाता है तो अपवर्तनांक या एन का मान, जो म्यू या एन का मान क्या होता है, 1/sin c होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, बीरल से सघन माध्यम में जाएगा उसका अपवर्तनांक 2 है तो क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। हम निकाल सकते हैं क्रांतिक कोण हमारा क्या है, सी ही तो है, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ फॉर्मूला ये नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है, ये हमारा सघन से बीरल के लिए था, अब बीरल से सघन हो गया है तो म्यू बराबर हम क्या लिखेंगे, साइन सी डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री। हालांकि आप शॉर्टकट टाइम बचाने के लिए 90 डिग्री को भूल जाएंगे क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है। चलिए तो हम क्या कर देंगे, इसको लिखेंगे म्यू बराबर कितना, साइन सी, और C का मान हमें क्या है मालूम करना है, क्या करना है मालूम करना है, नहीं मालूम है हमें, म्यू का मान 2 दिया हुआ है और साइन X या C की मान आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर 2 किसकी मान हो सकती है, इसको अगर इसको दूसरे टर्म में हम कहेंगे, इसको दूसरे तरीके से अगर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम इधर करेंगे, इधर तक क्रॉस करेंगे यानी n बराबर करेंगे तो हमारा ये उल्टा आएगा साइड में आएगा और इसका कोण का मान इधर से इधर चेंज होगा तो क्या होगा, साइन 2 कहाँ हमें मिलेगा, साइन कितना वैल्यू होगा तो हमें 2 मिलेगा, तो शायद आप जानते ही होंगे 30 डिग्री, 1/2 होगा, जब हम इस साइन सी को इधर लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा ये, और 1/2 का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री, इसके टर्म में कर सकते हैं। तो ये प्रश्न आपका इस तरह से आपका प्रश्न का 10 के 10 प्रश्न हो गए, यानी आंसर इसका क्या हो गया आपका, 30 डिग्री हो गया। तो ये रहे 10 प्रश्न जो आपका प्रकाश का अपवर्तन से है, और ये प्रश्न आपको हर बार पूछते हैं जिसमें सघन बीरियल आवृत्ति के प्रभाव जनरल साइंस में आपको बहुत है। लेकिन इसमें हमने कोशिश किया है कि आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया जाए, इधर उधर की बातें नहीं करके बिल्कुल बेसिक बातें, जो आने वाले एग्ज़ाम में अगर NTPC हो, ग्रुप डी हो या और भी कोई भी कंपटीशन आप एग्ज़ाम देते हैं, ELP है, टेक्नीशियन है, सभी एग्ज़ामों में ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। अब इसके लिए आपको प्लेलिस्ट बता दिया गया है कि डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे प्लेलिस्ट है, और इस चैनल का एक ही माध्यम है कि जितना हमें जानकारी है ईमानदारी से आपके साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।